नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज हम आप सभी के पास प्रस्तुत करने वाले हैं एवरेज और एज प्रॉब्लम। जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे एवरेज एंड एज प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे कि आखिरकार एवरेज और एज प्रॉब्लम होता क्या है, हमें एवरेज और एज प्रॉब्लम क्यों सीखना चाहिए, इससे क्या कंपटीशन में क्वेश्चन रहते हैं, क्या SSC में क्वेश्चन रहते हैं, क्या बैंकिंग में क्वेश्चन रहते हैं, क्या रेलवे में इस बार क्वेश्चन आने वाला है। तो इस प्रकार से तमाम जो बातें हैं जो कि आपके मन में उठ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एवरेज होता है क्या है और एज प्रॉब्लम क्या है। एवरेज और एज दो चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर में कन्वर्ट किया गया, जिसमें एवरेज से भी क्वेश्चन और एज से भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है। सबसे पहले एवरेज, एवरेज मतलब होता है किसी चीज का औसत। क्या होता है औसत? एवरेज का मतलब होता है दोस्तों औसत। मान लेते हैं कि कोई तीन संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों कोई तीन संख्या है। तीन संख्या क्या क्या है? कुछ भी संख्या हो जाता है। मान लेते हैं तीन संख्या दोस्तों, यहां पर ए है, देन बी है, देन सी। तीन प्रकार के यहां पर कोई भी संख्या दिया गया। अब कहा जा रहा है कि इन तीनों का जो है एवरेज मान निकल। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब होता है किसी एक का वैल्यू। अब औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों संख्या को आपस में हम प्लस करके जितने भी संख्या होंगे दोस्तों, उस संख्या से हम क्या करेंगे, यहां पर भाग दे देंगे। यानी एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, यहां पर भाग देने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम आसानी से कोई भी किसी भी चीज को हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो इसे हम लोग कहते हैं एवरेज, मतलब जितने भी संख्या होंगे, ठीक है, जितने भी संख्या होंगे वे सारे संख्या को जब आपस में हम इंक्लूड कर देते हैं, जब सारे संख्या को आपस में दोस्तों जोड़ देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एवरेज। तो इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज। अब इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि औसत किसी भी रूप में हो सकता है। औसत जो है किसी भी रूप में हो सकता है, औसत संख्या में हो सकता है, औसत रुपया में हो सकता है, औसत सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, उम्र में भी हो सकता है, कहीं भी औसत हो सकता है। माना कि पूरी क्लास में, यहाँ पर हम लोग क्लास चल रहे, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टोटल है दोस्तों, टोटल मान लेते हैं यहाँ पर जो व्यूवर्स है हमारे यूट्यूब में, जो टोटल जो व्यू हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 70 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट में व्यू कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट? 70 स्टूडेंट टोटल, अभी जो 70 स्टूडेंट मान लेते हैं व्यू जो है टोटल 70 स्टूडेंट व्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब सबका, अगर जितने भी विद्यार्थी होंगे सबका अपना अपना एक अलग अलग एज होगा, सबका क्या होगा, अपना अलग अलग जो होगा दोस्तों, क्या होगा, अपना अलग अलग एक उम्र के बच्चे देख रहे होंगे, किसी का 18 साल, तो किसी का 19 साल, तो किसी का 20 साल, कोई 22 साल, कोई 25 साल, इस प्रकार से करके हमारे जो वीडियो जो है इतने पर्सन जो है दोस्तों देख रहे होंगे, ठीक है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब हमें निकालना है औसत, औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी का, जितने भी विद्यार्थी व्यूवर्स से, जितने भी उसका सबका हम क्या करेंगे, उतने सारे विद्यार्थियों का हम एज को पूछेंगे। एज को पूछने के बाद हम क्या करेंगे, फट तुरंत तुरंत नोट करते चलेंगे। उसके बाद दोस्तों जितना भी टोटल आएगा 70 स्टूडेंट का, जितना भी उम्र आएगा, सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 70 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो भी वैल्यू हमारा आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा दोस्तों, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा एवरेज, वही हमारा दोस्तों क्या कहलाएगा, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज जो है इसी प्रकार से निकालते। अब यहां बातें यह उठते, अब यहां पर दोस्तों बता दे, एवरेज कोई 70 नहीं आएगा, कोई 65 नहीं आएगा, कोई 12 नहीं आएगा, कोई 10 भी नहीं आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एवरेज का मतलब होता है किसी एक परसेंट का वैल्यू, सभी का नहीं, किसी एक का लगभग वैल्यू। अब यहां पर दोस्तों 70 कहने का मतलब हमारे पास जो 70 एज के लड़के बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे,
ठीक है, यानी कि आप सभी जितने भी विद्यार्थी देखते होंगे 20 साल 21 साल 25 साल, यानी कि मैक्सिमम इसका जो एवरेज जो निकल के आएगा दोस्तों, जब सभी को जोड़ेंगे तो 21 साल से लेकर 22 साल आएंगे, यह एवरेज आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसके बारे में समझिए, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर समझिए, ये होता है लगभग एज। यह क्या होता है दोस्तों, लगभग एज किसी एक विद्यार्थी का एज, ये नहीं कह सकते, ये एक्यूरेट नहीं है कि ये जो सभी विद्यार्थी का होगा, लेकिन हाँ अगर मान लेते हैं कोई अगर हमारे पास पूछते हैं कि आप बताइए कि आपके पास जो है कितने एज के विद्यार्थी आपके व्यूअर्स से, कितने एज के विद्यार्थी आपके वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे वही 21 साल के आसपास जो है विद्यार्थी जो है वाच करता, ऐसा नहीं कि सबका डायरी निकालेंगे, हाँ मनोज का इतना, सोनू का इतना, सोनी का इतना, इतना इतना, सब तो भाग जाएगा वो आदमी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली उसको बता देंगे 21 साल या 22 साल के लड़का लड़की हमारे पास जो है क्या करते हैं, व्यू करते हैं हमारे वीडियो को और वे सभी अपने पढ़ाई को कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम किसी एक का लगभग एज जो है हम आसानी से दोस्तों बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी हमारे जो मैटर है वो मैटर को अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। ये दोस्तों बेसिक क्लास, बेसिक को कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहां पर 21 साल, 21 का मतलब क्या है, 21 का मतलब होता है 22 साल के भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, 23 के भी, 24 के भी और 25 साल के भी विद्यार्थी हमारे पास पढ़ सकते हैं, और इधर आपको जाएंगे तो इधर 20 19 18 इस प्रकार से जा सकते हैं। 21 अगर हम किसी को बताते हैं तो इतना जो है दोस्तों आ सकता है, यानी कि लगभग का मतलब होता है इधर भी आप जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, जिधर आपको चाहिए उस एंगल में आप चले जाइए आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी जो दोस्तों समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे। यहां पर 70 से जब भाग दी, 70 से भाग दिया तो कितना है, 21 आया, इसी को हम लोग कहते हैं लगभग आई। अब इसमें दोस्तों कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप अपनी डायरी में मेंशन कर लीजिए, जैसे कि फॉर्मूला नंबर एक सम बराबर, अगर किसी से सम पूछा जा रहा है, सम मतलब क्या होता है जोड़ निकालना रहे तो इसका आता है दोस्तों एवरेज इंटू होता है दोस्तों नंबर, ठीक है, एवरेज इंटू नंबर। अगर किसी से एवरेज पूछा जाए, अगर कोई भी विद्यार्थी से बोला जाए कि एवरेज बताए, एवरेज बराबर क्या होता है सम बटा क्या होता है दोस्तों नंबर, ठीक है। अगर इसी में नंबर पूछा जाए कि नंबर बताइए, तो नंबर बताने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सम बटा क्या हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा, सम बटा क्या होगा एवरेज। तो इस प्रकार से आप दोस्तों आसानी से किसी भी चीज के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीन फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, देन दूसरा फॉर्मूला, देन ये तीसरा फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला को आप सभी माइंड पर याद रखिएगा। ये तीनों का तीनों जब आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में एकदम ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने में एकदम आसान सा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पूरे जो व्यूअर्स है 5 लड़के, ठीक है, कितने 5 लड़के, और पांचों का दोस्तों अपना अपना कुछ कुछ एज होगा। अब पांचों को जब हम एज को जब जोड़ दें, पांचों को एज को जोड़कर जब 5 से हम भाग कर देंगे तो वो निकल जाएगा एक एवरेज। वो क्या निकल जाएगा, एक एवरेज निकल जाएगा। मान लेते हैं 5 लड़का है, ठीक है, 5 लड़का है, पांचों लड़का का जो कुल योग हो, जितने भी होंगे कुल योग जो होगा पर्सन में दिया है, क्वेश्चन में आपसे दे दिया जाएगा, और पांचों का कुल योग मान लेते हैं दोस्तों 80 साल, कितना साल ध्यान से देखिएगा 80 साल, पांचों का टोटल, पांचों विद्यार्थियों का टोटल योग है 80 साल। अब इसमें से पूछा जाए कि बताइए किसी एक का एवरेज एज कितना होगा, तो एवरेज एज निकालने के लिए इस 80 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से जैसे हम भाग दिए तो कितना इसका आएगा रिजल्ट दोस्तों 16 इयर्स। इस 16 इयर्स का मतलब समझिए, ये जो 16 इयर्स आया है, इस 16 इयर्स का मतलब समझिए, 16 इयर्स का मतलब होता है किसी एक का लगभग एज, किसी एक का दोस्तों लगभग एज होगा, ठीक है।
यानी कि अगर हमें एवरेज पूछा जाए तो सम टोटल सम था और नंबर कितने थे 5, दोनों को अगर भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, एवरेज प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका है। अगर दोस्तों इसी प्रश्न में आपसे पूछ सकता है एवरेज आयु 16 है, एवरेज आयु कितना है दोस्तों 16 है, एवरेज आयु मान लेते हैं 16 है और टोटल लड़कों की संख्या मान लेते हैं 5 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टोटल कितने एज हुई, तो हम क्या करेंगे दोनों को गुणा कर देंगे तो 16 बच्चे कितने हो जाएंगे 80, यानी हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, हमारा निकल जाएगा सम। तो इस प्रकार से आप आसानी से सम का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसी में नंबर पूछ दिया जाए तो नंबर पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास टोटल दिया रहेगा यानी टोटल यानी कि हमारे पास टोटल कितना है 80 है और आपका एवरेज दिया रहे, एवरेज हमारा कितना आया था 16, इसको काटेंगे तो आएगा 5, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कितने आ जाएंगे दोस्तों 5 स्टूडेंट आपके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से करके भी आप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये तीनों जो फॉर्मूला था आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आया। इससे अच्छी जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जब क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे उस वक्त और अच्छे तरीके से आप वहां पर सीख पाएंगे क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से आप वहां पर जान पाएंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी थोड़ी सी आपको नहीं समझ में आ रहे कोई बात नहीं, सिर्फ अभी समझिए कि एवरेज एज क्या होता है, कैसे किस प्रकार से हम लोग करते हैं उसको इस प्रकार से करके निकालते हैं। तो चलिए टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मान लेते हैं कि हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो वीडियो जो है 22 साल के जो विद्यार्थी है वो देखते हैं, कितने साल के 22 साल के जितने भी विद्यार्थी है वे सारे के सारे जो है विद्यार्थी कैंडिडेट हमारे वीडियो को देखते हैं। आज से ठीक 3 साल बाद, आज से ठीक 2 साल के बाद, आज से ठीक 3 साल के बाद दोस्तों उन सभी का औसत आयु कितना होगा ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए, तो अगर 3 साल बाद पूछा जाएगा तो 22 में 3 क्या करिए जोड़ दीजिए, 22 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25, यानी कि प्लस हम यहाँ पर कितने कर दिए 3 कर दिए, तो ये जो हो जाएगा एवरेज एज कब का, आज से ठीक 3 साल बाद का। इसी में कह दिया जाए और 5 साल बाद अगर पूछा जाए कि 5 साल बाद कितना होगा तो इसमें 22 में क्या करेंगे हम दोस्तों 5 साल दौड़ देंगे, 5 ईयर्स हम क्या करेंगे इंक्लूड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27 साल, यानी कि आज से ठीक 5 साल बाद जो होगा विद्यार्थियों की संख्या वो 27 साल होगा। अगर कहीं ऐसा पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, पूछा जा रहा है कि अभी एवरेज एज जो है 22 साल आया, कितना आया एवरेज एज 22 साल आया किसी व्यूअर्स का, हमारे जो वीडियो है वो वीडियो देखते हैं कितने 22 साल के विद्यार्थी जो है देख रहे, तो पहले कितना होगा यानी कि 2 साल पहले अगर पूछा जाए तो दोस्तों 2 साल जस्ट बिफोर कितना होगा, तो 2 साल हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे यानी कि हो जाएगा कितना दोस्तों 20 साल। यही चीज 5 साल पूछा जाए तो 5 साल के लिए यहां पर हम क्या करेंगे 5 साल घटा देंगे, यानी जितना पहले पूछेगा उतना इसमें से प्रेजेंट के एज में लेस करेंगे और जितना बाद पूछेगा उतना प्लस करेंगे, यही इसका ट्रिक है। एवरेज एज किसी भी चीज का एवरेज एज निकालते हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे समझते चलिएगा, सारे बातों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यह एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हम आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे, फिर चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों हम जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाएंगे, कवर करेंगे, एक एक करके बताते चलेंगे दोस्तों। आगे जो है यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, मान लेते हैं कि एक परिवार है, क्या है मान लेते हैं कोई एक फैमिली है और एक फैमिली में 5 मेंबर, कितने मेंबर है दोस्तों 5 मेंबर, ध्यान से समझिएगा 5 मेंबर है और 5ों व्यक्ति का आयु 30 साल है, कितने साल है 30 साल, याद रखिए एक का नहीं पूरा टोटल हम बोल रहे टोटल जो है 5ों व्यक्ति का जो एज है वो 30 साल। आज से ठीक 5 साल पहले या आज से ठीक 5 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद पूछा जाए तो 5 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना 35, इससे ठीक 5 साल पहले तो इसमें से क्या करेंगे 5 साल हम क्या करेंगे लेस कर देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों 25 ईयर्स, यानी कि अगर पहले पूछे तो उतना लेस कर दीजिए हम बाद पूछे उतना जोड़ दीजिए, यही इसका ट्रिक है, इसी चीज से आपको पकड़ना है, इसी चीज से आपको बनाना है ना, काफी मजेदार काफी आसान सा ट्रिक। आगे बढ़ते थोड़ी सो और हाई लेवल पर चलते हैं, माना कि यहां पर
माना कि जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सबका एज को जोड़कर, सबका एज को जोड़कर भाग देते हैं तो 22 साल आता है। कितना साल, ध्यान से समझिए, 22 साल, 22 इयर्स आया। तो 22 इयर्स आया तो यह क्या है, 22 साल एक एवरेज एज, एक एवरेज एज है। इसमें क्या किया बगल से, या दोस्तों इसमें क्या किया, एक कम उम्र का बच्चा देखना स्टार्ट कर दिया। मान लेते हैं 5-6 क्लास का जो बच्चा है वो बच्चा हमारा जो देखना स्टार्ट कर दिया, तो उसका एज कितना होगा, 7-8 साल होगा। ठीक है, मान लेते हैं उस बच्चा का एज कितना होगा, 8 साल। अब जब हम एवरेज एज निकालेंगे तो यह 22 साल नहीं आएगा, 23 साल नहीं आएगा, 18 साल नहीं आएगा, सीधे घट जाएगी, इसके आसपास चला जाएगा, 10 के आसपास चला जाएगा। यानी कि सभी बच्चे जो जवान बच्चे पढ़ रहे थे वो क्या हो जाएंगे, छोटे बच्चे बन जाएंगे। इसी में क्या होगा कि आपके पिताजी लोग मोबाइल आपका चेक करने लगे, देखते हैं अपने पापा को, बाबूजी को बोलते हैं कि बाबूजी आपसे पूछते हैं कि क्या कर रहा है बेटा या क्या कर रहे है बेटी, तो आप बोलते हैं कि नहीं मोबाइल से हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा देखा हो तो मोबाइल को चेक करें। जैसे वो चेक करेंगे दोस्तों वैसे वो ज्यादा एज के हो जाएंगे, यानी कि आपके पिताजी दोस्तों 65 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, 50 साल के होंगे। तब जब हम एवरेज एज निकालेंगे तो उस वक्त ही 22 साल नहीं आएंगे, क्या आ जाएंगे, ये आगे चल जाएंगे, यानी कि आगे चल जाएंगे, यानी 50 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे, यानी कि एवरेज एज 45 हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि जितने भी बच्चे जवान थे वो बूढ़े हो गए, जितने भी बच्चे जवान थे वो बूढ़े होंगे। अगर कोई बच्चा आ जाता है तो सारे बच्चे छोटे हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां पर बता दें, अगर कम एज का अगर लड़का अगर आता है तो सबका एज कम हो जाएगा। ज्यादा एज का कोई व्यक्ति अगर वीडियो को देखते हैं, ज्यादा एक व्यक्ति का कोई वीडियो आते हैं तो वो भी सभी का जो है एवरेज बढ़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज, यानी कि कम उम्र के आने से घटेगा, ज्यादा उम्र का अगर एक भी आ गया तो भी। मान लेते हैं कि आपका देखें फिर कोई किसी और का पिताजी भी देख ली तो फिर उनका भी मान लेते हैं 65 साल, तो क्या हो, उतने ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी में अगर बच्चा है, एक बच्चा है और एक बच्चा यहाँ पर देखना स्टार्ट कर देता तब क्या, इतने ही आपका एवरेज आ जाए। मतलब अगर एक भी अगर आ जाता है, ज्यादा एज का तो हाई हो जाएंगे आप लोग, और लो अगर आते हैं, एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी अगर आ जाता है तो आपका एवरेज एज को डायरेक्ट घटा देगा, नीचे कर देगा। और अगर हाई लेवल का आता है, एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, उससे कोई मतलब नहीं, आपका एज को, एवरेज एज को एकदम बढ़ा देगा। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एवरेज एज का खेला होता है, किस प्रकार से एवरेज एज जो होता है बनता है। इसी तरह से करके जो क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों, इसी तरह टाइप से करके जो सिखाया जाता है, इसी टाइप से करके आपको क्वेश्चन भी पूछा जाए। अगर ग्रुप से, ठीक है, दो लड़के चले जाते हैं, एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, उससे दो लड़के चले जाते हैं सेम एज के, तो एवरेज एज में क्या होगा, एवरेज एज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं 22 साल के बहुत सारे विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी पता नहीं, ये हमारा एवरेज एज है। क्या है दोस्तों, ये हमारा एवरेज एज है, जिसमें से दो विद्यार्थी चले जाते तो एवरेज एज में क्या फर्क पड़े। एवरेज एज में किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना एवरेज एज पहले था उतने ही एवरेज एज आज भी रहेगा। अगर दो विद्यार्थी सेम एज के अगर आ भी जाते हैं, सेम एज के अगर आ भी जाते तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेम एज के अगर आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज इसमें कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन सेम एज का होना चाहिए। लेकिन हाँ, वही ज्यादा एज का या कम एज का अगर आता है या जाता है तो फिर डिफरेंट हो जाएगा, फिर आपको बदलना पड़ेगा, आपका जो है पूरा कंसेप्ट ही, आपका जो दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट ही आपका बदल जाएगा। तो इस प्रकार से करके हम एवरेज एज को आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, आसानी से दोस्तों निकाल लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी हमारा जो मैटर है वो आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। माना कि पिताजी और पुत्र, ठीक है, माना पिताजी और पुत्र, उनकी जो औसत आयु है वो 30 साल है। कितना, ध्यान से समझिएगा अगला कंसेप्ट, 30 साल है, ठीक है, कितना साल है दोस्तों, 30 साल है। अब भी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में क्या बात कहा जा रहा, तो माना कि पिताजी और पुत्र की अभी प्रेजेंट जो है दोस्तों अभी एज कितना, 30 साल है, प्रेजेंट में कहा जा रहा। हम एवरेज के बारे में नहीं कह रहे, याद रखिए एवरेज अलग हुआ, प्रेजेंट एज अलग हुआ,
तो यहां पर दोस्तों 60 साल हो जाएगा, टोटल एज कितने हो जाएंगे, मान लेते पिताजी भी 30 साल के, बेटा भी 30 साल के, इस प्रकार से अगर कहा जा रहा, ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 60 साल हो जाएंगे, या कहा जा रहा 30 साल एवरेज एज कहा जा रहा है, तो दो दो कैंडिडेट का कितने हो जाएंगे दोस्तों, 60 साल हो जाएंगे, कितना साल हो जाएंगे, 60 साल हो जाएंगे, ठीक है, 60 साल हो जाएंगे। अगर दोस्तों यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, फिर से एक कंसेप्ट को उठाते हैं और ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि पिता और पुत्र दो व्यक्ति, दो आदमी, पिताजी और पुत्र दो व्यक्ति है, और उनकी औसत आयु, याद रखिए औसत आयु 30 साल है, ध्यान से समझिएगा, 30 साल हो रहा है, तो 5 साल बाद, आज से ठीक 5 साल बाद कितना होगा, 35 साल, यह चीज क्लियर है, आज से 5 साल बाद 5 साल क्या हो गए, हम लोग जोड़ देंगे, क्लियर है। अब मान लेते हैं कि पिता और पुत्र की कुल आयु, नॉट एवरेज, कुल आयु अगर 60 साल है, कितने साल है, 60 साल है, ठीक है, 60 साल है, तो आज से ठीक 5 साल बाद ये कुल आयु, याद रखिएगा ये टोटल एज हम आपको बता रहे, नॉट एवरेज, अगर आज से ठीक 5 साल बाद, टोटल 5 साल बाद दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुल कितने एज हो जाएंगे, तो इसमें कितने एज हो जाएंगे, 60 में क्या होगा, पिताजी भी 5 साल के बढ़ेंगे, बेटा भी 5 साल के बढ़ेंगे, इस कंडीशन में जो टोटल एज हो जाएंगे दोस्तों वो 70 साल हो जाएंगे। याद रखिएगा ये हम टोटल एज के बारे में बात कर रहे हैं, ये टोटल एज हुआ, एवरेज यहाँ पर कोई चर्चा नहीं किया, हम यहाँ पर टोटल एज जो हो जाएंगे इस कंडीशन पर 70 साल का हो जाएंगे मान लेते हैं, ठीक है। फिर से एक कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं तीन भाई, तीन भाई का कुल एज 50 साल है, कितने साल है, 50 साल है, ठीक है, तो 5 साल बाद कितना टोटल एज होगा, 5 साल बाद क्या होगा दोस्तों, पांच पांच सबका जुड़ेगा, पांचों भाई का जुड़ेगा, ध्यान देखिएगा जितने भी भाई होंगे, 1 2 3 4 5, पांचों का 50 साल जुड़ेगा, यानी कि 25 साल एक्स्ट्रा, 50 और 25 कितने हो जाएंगे, टोटल 75 साल यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा टोटल एज, इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 75 साल हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अगर इसी में 5 साल पहले अगर पूछा जाए तो 50 में सबका 55 साल माइनस कर देंगे, यानी 25 साल माइनस कर जाएंगे, तो टोटल एज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25 साल आपका हो जाएगा टोटल एज। तो इसी प्रकार से अगर आगे आएंगे तो जुड़ेगा, पीछे जाएंगे तो घटेगा, यही इसका एवरेज और एज प्रॉब्लम का फंडा होता है, यही चीज होता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सभी कमेंट करके बताइए, अगर इतना थ्योरी अगर सीख लिए तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। मान लेते हैं दोस्तों कि कुल एज 1500, टोटल हम एज दे रहे हैं 1500, ठीक है, तो 1500 है और 50 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति, याद रखिए नंबर ऑफ व्यक्ति जो 50 व्यक्ति है, और टोटल एज हम 50 साल दिए, तो आज से ठीक 5 साल बाद, 5 साल बाद टोटल एज कितना होगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही आंसर दो दोस्तों क्या होगा। सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, एवरेज और एज प्रॉब्लम के तहत, जिसमें जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा मददगार हुआ होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का वीडियो सेशन दोस्तों यहीं पर रखता है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारियों के साथ।